जो श्रद्धांजलि दी जा रही है इस वक्त में, हमारे पूर्व जो यहाँ के राज्यपाल थे लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा साहब, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, पंडित मंगतराम जी, मोहम्मद शफी भट्ट साहब, श्री पृथ्वीचंद जी, गुलाम युद्दीन साहब शाह साहब, अजीज मोहम्मद कारी साहब, धर्मवत वीर सिंह उबराय साहब, और जो हमारे बॉर्डर फायरिंग में, जो मिलिटेंसी में हमारे सैनिक, जब बाकी सिविलियंस और बाकी जो कश्मीर में पीछे जो टर्माइल हुआ है जिसमें जो है इतने जाने गई हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र है, ये जो लोग हैं जिनका रेफरेंस यहाँ पर आया है, इन्होंने अपने तरीके से अपने अपने वक्त में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और आम आदमी की बात को बार बार उठाया है और ताज़िंदगी उसमें लगे रहे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिसाल की बात है। सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा साहब की बात करूँगा। बेशक वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, यहाँ के नहीं थे, लेकिन गवर्नर के तौर पर उन्होंने जो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रोटेक्ट करने में, चाहे वो यहाँ के गवर्नर रहे चाहे असम के गवर्नर रहे, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और यही कारण था वो इतने अनुभवी थे, क्योंकि 1947 से लेके 1947 में जब कवालियों ने हमला किया, तब यहाँ पर वो एक आर्मी अफसर के तौर पर थे, और उसके बाद अलग अलग कैपेसिटीज़ में उन्होंने काम किया है। यही उनका अनुभव था जिसके कारण जो इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजिक स्टेट्स थी उनका गवर्नर बनाया गया, ये उनके क्रेडिट में जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको मिलने का मौका मिला, मैं जनरल सिन्हा, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, कई बार उनसे मुलाकात हुई जब मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, क्योंकि वो एक मुझे वो आर्मी के अफसर थे, जनरल रहे हैं, लेकिन इतिहास और हर शोभे के उनको जानकारी थी। वो अंग्रेज़ी इतनी अच्छी बोलते थे, इतनी अच्छी लिखते थे, और जिस तरीके का उनका स्वभाव था, सचमुच उनके जाने से हिंदुस्तान को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में उनका जो रोल रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। मैं दूसरे महानुभाव पंडित मंगतराम जी, भाई सुन लीजिए, आपकी चूरू चल रही है। पंडित मंगतराम जी, मैं साफ कर रहा था, 5 बार MLA रहे, 1 बार MP रहे, वो सचमुच ग्रास रूट से आए हुए व्यक्ति, और जिस तरीके से एक बार उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ तो मैं घर में गया, मैं अफसोस करने गया तो एक हाल में बैठे हुए थे, तो मैं ढूंढ रहा था पंडित जी कहाँ हैं, तो एक पूरे का पूरा कमरा खचा खच भरा था, तो एक कोने में पंडित जी बैठे थे, और जिस तरीके से लोगों से मिलना, बातचीत करना, वो एक बहुत बड़ा एक उनका योगदान रहा है यहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। अलग अलग जो है जो भी उनका डिपार्टमेंट्स रहे, या लोगों की जो समस्या उठाते रहे, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं मोहम्मद शफी भट्ट साहब को तो